क्वेश्चन में हमसे कहा गया है अगर टेन एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू एम है एंड टेन एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू एन है तो हमने एम स्क्र माइनस एन स्क्वेयर की वैली को फाइंड आउट करना है तो हमने बताना है कि एम स्क्यर माइनस एन स्क्वेयर इन ऑप्शंस में से किसके इक्वल होगा तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में हमको गिवन है टेन एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू एम एंड एक्टेन एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू एन ये दोनों इक्वेशंस हमको गिवन है हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे ठीक है तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे टेन एक्स प्लस टेन एक्स हो जाएगा टू टेन एक्स प्लस साइन एक्स से माइनस साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा फिर इक्वल्स टू है तो लगाएंगे इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में हमारे पास में है एम एंड एन जब हम एम एंड एन को ऐड करेंगे तो राइट हैंड साइड में आएगा एम प्लस एन तो हमारे पास में आ गया टू टेन एक्स इक्वल्स टू एम प्लस एन अब हम वापस से इन दोनों इक्वेशंस को लेंगे एंड इस फर्स्ट इक्वेशन से इस सेकेंड इक्वेशन को माइनस करेंगे ठीक है तो हम वापस से दोनों इक्वेशन को लिखते हैं हमारा पहला इक्वेशन है टेन एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू एम And हमारा दूसरा इक्वेशन है टेन एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू एन दोनों इक्वेशन हमको गिवन है हम इस फर्स्ट इक्वेशन से इस सेकंड इक्वेशन को सबस्ट्रक करेंगे ठीक है ये टेन हमारा प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा ये माइनस का साइन एक्स है तो ये प्लस का साइन एक्स हो जाएगा यहां पर प्लस एन है तो ये माइनस एन हो जाएगा ठीक है अब देखिए यहां पर है टेन एक्स यहां पर है माइनस टेन एक्स तो टेन एक्स से माइनस टेन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में है प्लस साइन एक्स यहाँ पर भी है प्लस साइन एक्स तो साइन एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा टू साइन एक्स फिर है इक्वल्स टू देखिए राइट हैंड साइड में अब हमारे पास में है एम माइनस एन तो राइट हैंड साइड में हो जाएगा एम माइनस एन तो यहाँ पर हमने फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को सब्सट्रैक कर दिया ठीक है और हमारे पास में आया ट्वाइस ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू एम माइनस एन चलिए स्टूडेंट्स हम इस इक्वेशन को इक्वेशन ए सपोज कर लेते हैं एंड इस इक्वेशन को हम इक्वेशन बी सपोज कर लेते हैं अब हम इक्वेशन एंड इक्वेशन बी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे ठीक है इक्वेशन ए का लेफ्ट हैंड साइड है टू टेन एक्स इक्वेशन बी का लेफ्ट हैंड साइड है टू साइन एक्स तो जब हम इक्वेशन ए को इक्वेशन बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा टू टेन एक्स मल्टीप्लाई विथ टू साइन एक्स इक्वेशन ए का राइट एंड साइड है एम प्लस एन इक्वेशन बी का राइट एंड साइड है एम माइनस एन तो जब हम इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी का मल्टीप्लीकेशन करेंगे राइट एंड साइड में आएगा एम प्लस एन मल्टीप्लाई विथ एम माइनस एन चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को टू इंटू टू हो जाएगा फोर टेन इंटू साइन एक्स हो जाएगा टेन एक्स साइन एक्स फिर इक्वल्स टू है तो लगाएंगे इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में हमारे पास में है एम प्लस एन प्रोडक्ट विथ एम माइनस एन और ये हमको ए प्लस बी प्रोडक्ट विथ ए माइनस बी की तरह दिखाई दे रहा है और जब भी हमारे पास में ए प्लस बी प्रोडक्ट विद ए माइनस बी होता है तो हम उसको लिखते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर तो इस आइडेंटिटी से एम प्लस एन प्रोडक्ट विद एम माइनस एन हो जाएगा एम का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर अब देखिए सुनस यहाँ पर हमें इन ऑप्शंस में अनरूट एम एन देखने को मिल रहा है तो चलिए सबसे पहले हम अनूट एम एन की वैल्यू को बनाते हैं ठीक है अनरूट एम एन की वैल्यू को निकालते हैं लिखते हैं अनरूट एम एन तो सबसे पहले हमारे पास में है अनरूट अनरूट के भीतर है एम इन टू देखिए हमारा एम है टेन एक्स प्लस साइन एक्स तो हम एम की जगह पे लिखेंगे टेन एक्स प्लस साइन एक्स फिर आगे इनटू में है एन एन हमारा है टेन एक्स माइनस साइनिक्स तो हम एन की जगह पे लिखेंगे टेन एक्स माइनस साइनिक्स अब आगे सॉल्व करते हैं सबसे पहले है रूट स्केयरूट रूट के भीतर हमें दिखाई दे रहा है टेन एक्स प्लस साइन एक्स प्रोडक्ट विथ टेन एक्स माइनस साइन एक्स और ये हमें ए प्लस बी प्रोडक्ट विथ ए माइनस बी की तरह दिखाई दे रहा है और जब भी हमारे पास में ए प्लस बी प्रोडक्ट विद ए माइनस बी होता है तो हम उसको लिखते हैं ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्र तो इस आइडेंटिटी से टेन एक्स प्लस साइन एक्स प्रोडक्ट विद टेन एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा टेंथ स्क्र एक्स माइनस साइन स्क्र एक्स अब आगे सॉल्व करते हैं अब देखिए स्क्यर रूट के भीतर सबसे पहले हमको दिखाई दे रहा है टेंथ स्क्र एक्स स्टूडेंट्स जैसा कि हम जानते हैं टेन एक्स होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इसलिए टेंथ स्क्वेयर एक्स हो जाएगा साइंस स्क्केयर एक्स अपॉन कॉस्ट स्केयर एक्स फिर बीच में है माइनस तो लगाएंगे माइनस फिर है साइंस स्केयर एक्स चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को सबसे पहले है रूट स्केयर रूट के भीतर हमारे पास में है ये दो टर्म्स इन दोनों टर्म्स में हमको साइंस स्केयर एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है तो हम इन दोनों टर्म्स में से साइंस स्केयर एक्स कॉमन लेंगे ठीक है तो हम दोनों टर्म्स में से साइंस स्केयर एक्स को कॉमन लेंगे तो जब हम साइंसकेयर एक्स अपॉन कॉस स्क्र एक्स में से साइंस स्केयर एक्स को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के भीतर आएगा वन अपॉन कॉस स्क्स फिर बीच में माइनस है तो लगाएंगे माइनस फिर जब हम साइंस एक्स में से साइंस स्क्र एक्स को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के भीतर आएगा वन अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को सबसे पहले है स्क्र रूट फिर स्क्र रूट के भीतर है साइंस स्क्र एक्स अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे इस ब्रैकेट में हम एल्सियम मैथड से, से सब्सक्रिक करेंगे देखिए वन के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो लगाएंगे वन कॉस स्क्यर एक्स एंड वन का एलसीएम आएगा कॉस स्क्यर एक्स फिर जब हम कॉस स्क्यर एक्स से कॉस स्क्यर एक्स को डिवाइड करेंगे तो आएगा वन वन से वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा वन फिर बीच में माइनस है तो लगाएंगे माइनस फिर जब हम वन से कॉस स्क्यर एक्स को डिवाइड करेंगे तो आएगा कॉस स्क्यर एक्स कॉस स्क्यर एक्स से वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कॉस स्क्यर एक्स अब आगे सॉल्व करते हैं सबसे पहले हमारे पास में है स्केयर रूट स्केयर रूट के भीतर है साइन स्केयर एक्स चलिए अब हम इस ब्रैकेट के भीतर आते हैं न्यूमरेटर में हमारे पास में है वन माइनस कॉस स्केयर एक्स वन माइनस कॉस स्केयर एक्स होता है साइन स्केयर एक्स अपॉन में है कॉस स्केयर एक्स अब आगे सॉल्व करते हैं साइन अपॉन कॉस होता है टेन इसलिए साइंस स्केयर एक्स अपॉन कॉस स्केयर एक्स हो जाएगा टेन केयर एक्स फिर हमारे पास में साइन केयर एक्स भी हैं तो लिखेंगे साइन केयर एक्स अब आगे सॉल्व करते हैं स्केयर रूट के भीतर है टेन स्केयर एक्स प्रोडक्ट विद साइन केयर एक्स हम इसको लिख सकते हैं टेन एक्स साइन एक्स का होल स्केयर स्कीयर से स्केयर रुड कैंसिल आउट हो जाएगा तब हमारे पास में आएगा टेन एक्स साइन एक्स तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास में आ गया है अन रूट एम का वैल्यू टेन एक्स x यहाँ पर भी हमारे पास में है टेन एक्स x तो हम टेन एक्स x की जगह पे लिखेंगे अंडर रूट एम तब हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा फोर अंडरूट एम एन इक्वल्स टू एम स्क्र माइनस एन स्क्वेयर तो देखिए सुन यहाँ पर हमारे पास में आ गया है एम स्क्र माइनस एन स्क्र एकवल्स टू फोर अंड रूट एम एन और इस ए ऑप्शन में हमें एम स्क्र माइनस एन स्क्यर का वैल्यू गिवन है फोर अनूट एम एन तो हमारा ये ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा तो हम लिखेंगे दियर फोर ऑप्शन ए इज करेक्ट ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर